हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। आज हम बात करेंगे एवरेज पे। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाता है सम के लिए एवरेज इनटू नंबर। जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो सबसे पहले मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो होते हैं आपके लगातार नंबर, कॉन्टिन्यूटी में। जैसे कि आपकी काउंटिंग वन टू इन्फिनिटी जो भी नंबर्स हैं, मतलब वन के बाद क्या आता है टू, टू के बाद आता है थ्री, तो वही नंबर जो कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हुए? सिर्फ इवन नंबर्स जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे टू फोर सिक्स एट टेन, ये हो गए आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। फिर आते हैं आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वन, फॉर एग्जाम्पल वन थ्री फाइव सेवन और नाइन। अब हम यहां पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपको इनका एवरेज समझाना चाहती हूँ कि इनका एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वन से लेके पांच तक नंबर्स लिख दिए हैं जो कि लगातार नंबर है, मतलब सेम डिफरेंस पे नंबर है। अगर इवन और ऑड की बात करेंगे तो ये दो दो के डिफरेंस में है। अगर वहां पे सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा है, इवन या ऑड नहीं लिखा है, आपने ध्यान देना है, अगर इवन या ऑड नहीं लिखा है तो वो एक एक के डिफरेंस में होंगे। अगर इवन या ऑड मेंशनड है तो वो दो दो के डिफरेंस पे होंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इन पांच नंबर्स की, वन से लेके फाइव तक। तो इनका वैसे अगर हम इनका एवरेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनका सम कर लेते हैं, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस 14 प्लस 1 15 अपॉन 5। अब जब इसका एवरेज आप निकालेंगे तो एवरेज आएगा 3। तो अब आप ध्यान दें तो इसका जो एवरेज है वो 3, 3 इज अ मिडिल टर्म। सेम अगर आप इन नंबर्स का 2 4 6 8 और 10 का एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 6। सिमिलरली अगर आप 1 3 5 7 और 9 का एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 5। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सारी ही टर्म्स मिडिल टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स है? मिडल टर्म्स। मिडल टर्म कौन सी होती है? जिसके आगे या पीछे बराबर नंबर ऑफ बराबर नंबर्स होते हैं। जैसे ये पांच नंबर हैं तो मिडल टर्म के आगे भी दो नंबर हैं और मिडल टर्म के पीछे भी दो नंबर हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है कि वो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, तो आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ उसमें मिडल टर्म काउंट करनी है कि मिडल टर्म कौन सी है, तो जो आपकी मिडल टर्म होगी दैट विल बी योर एवरेज। क्लियर है? अब देखो, इसमें तो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या है, हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, पांच पांच ऑब्जर्वेशंस हैं। अब लेकिन नंबर ऑफ जो आपकी जो मिडिल टर्म है वो आपको सीरीज में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मान लो आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन है, जैसे कि 6 हैं 8 हैं 10 हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एक नंबर में और ऐड कर देती हूँ, 6 यहाँ आ गया, 12 और यहाँ आ गया 11। अब जो एवरेज है वो आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि अब जो मिडल टर्म है वो आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मिडल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? दो, थ्री और फोर, ठीक है ना, लेकिन दो एवरेज तो नहीं हो सकती हैं। लेकिन अभी भी कंसेप्ट क्या है, बेशक ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन कंसेप्ट अभी भी क्या है कि आपकी जो मिड टर्म है, मिडल टर्म जो होगी दैट विल बी एवरेज क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, अब देखो मिड कहाँ आना चाहिए? ऑब्वियसली थ्री टर्म्स के बाद, थ्री टर्म्स के बाद, थ्री और फोर के बिल्कुल मिड पे कौन सी टर्म आती है? 3.5। तो इसकी एवरेज क्या हो जाएगी? 3.5। सिमिलरली थर्ड टर्म्स, थर्ड और फोर्थ टर्म, सिक्स और एट, सिक्स और एट के बिल्कुल मिड में क्या आता है? 7। और इस वाले केस में जो 1 3 5 7 9 11, इस वाले केस में जो मिड टर्म होगी वो 5 और 7 के बीच में होगी, तो वो क्या होगी? 6। तो डायरेक्टली आपकी एवरेज निकल आई। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव
मतलब कि जिस भी क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा गया है, मेंशन किया गया है और उसकी एवरेज दी हुई है, इसका मतलब है कि आपको उन 5 या 6 नंबर जो भी उन्होंने मेंशन किए हैं उनकी मिड टर्म आपको पता है। क्लियर है? अब कॉन्जिक्यूटिव में आपने जो ध्यान देना है बात पे, वो यही देना है कि मिडल टर्म इज योर एवरेज। ठीक है, उसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 32। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 32, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 32, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। ठीक है, अब 5 नंबर हैं, 5 नंबर हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी और ई, ये 5 नंबर हैं। अब इनकी जो एवरेज है दैट इज गिवन 32। इसका मतलब एवरेज, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेंशन है और एवरेज मेंशन है, इसका मतलब आपको मिडल टर्म दी हुई है। मिडल टर्म क्या है? सी। तो आपको सी की वैल्यू कितनी दी है? 32। अब वहां पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स इवन या ऑड कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये सारी टर्म्स, सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो एक एक के डिफरेंस में है। तो आपसे पूछा क्या गया है? लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट टर्म पूछी गई है, तो इसके आगे के 2 नंबर आप लिख लीजिए, 33, 34। तो लार्जेस्ट टर्म क्या आ गई आपकी? 34। अगर स्मॉलेस्ट पूछी होती, अगर इस सेम क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट टर्म पूछी होती, तो आप मिडल टर्म से पीछे की तरफ 1-1 माइनस करके अपनी स्मॉलेस्ट टर्म मेंशन कर लेते, दैट इज 30। क्लियर है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब नंबर्स है 6, ठीक है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो अब हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, यानी कि एक एफ भी है। ठीक है, अब ये 6 नंबर्स हैं जिनकी जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 37.5, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 नंबर्स। ठीक है, अब 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब जो आपकी एवरेज है वो 3rd और 4th नंबर्स हैं, उनके बीच में है, तो आपकी एवरेज क्या दी हुई है? 37.5। अब 6 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इन 6 में वो एवरेज नहीं होगी, इन 6 में से कोई भी नंबर एवरेज नहीं होगा, लेकिन इनके जो मिडल के 2 नंबर्स हैं उनके बीच में ये एवरेज है। तो वो कौन से 2 नंबर हैं जिनकी एवरेज 37, जिनके बीच में ये 37.5 आता है? तो वो 2 नंबर्स हैं 37 और 38। ठीक है, 37 और 38 के बीच में 37.5 आता है। इसका मतलब जब आपके पास 6 नंबर यानी कि और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो जब भी एवरेज आपको दी होगी तो एवरेज, उस एवरेज से आपको क्या मिलेगा? मिडल की 2 टर्म्स। ठीक है, अब आप उसके आगे की 2 और उसके पीछे की 2 लिख लीजिए। उसके आगे की 2 क्या है? 39 और 40। पीछे की 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इन 2 से मतलब है, इनका हमें सम पूछा गया है, ठीक है ना, जो कि है 79। लेकिन पिछली टर्म्स भी अगर आपको लिखनी है तो वो कैसे, आपने क्या करना है? 1-1 माइनस करके लिख देनी है, 36 और 35। तो ये बन गई आपकी टोटल सीरीज की, 35 से लेके 40 तक ये सीरीज है। ठीक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्ट जहां मर्जी से हो रहे हैं आपकी सीरीज, लेकिन उसके आगे के जो नंबर हैं वो कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए, यानी कि सेम डिफरेंस में होने चाहिए। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सेट ए कंटेन्स 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। सेट ए कंटेन्स 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, हैविंग सम 120। अब हमारे पास क्या है? सेट ए है, सेट ए, सेट ए की बात पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें कितने नंबर्स हैं? ए बी सी डी और ई, यानी कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं इसमें, जिनका जो सम है, इन सारे नंबर्स का जो सम है दैट इज 120। ठीक है, अब 120, लेकिन हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर की अगर सीरीज पता करनी हो तो हमें उन नंबर्स को पता करने के लिए क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए एवरेज। ठीक है, तो एवरेज, एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए सम और दूसरा चाहिए नंबर। ठीक है, तो सम हमारे पास कितना दिया है? 120 अपॉन नंबर कितने हैं? 5। तो आप इससे डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 24। यानी कि मिडल टर्म आपको कितनी मिल गई? 24। अब सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स हैं तो आप 2-2 के डिफरेंस में इनको लिख लीजिए, 24 26 28। पिछले नंबर लिखने हैं तो 22 20। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं,
सेट बी कंटेन्स सिक्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब कोई सेट बी है, सेट बी जिसमें सिक्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ही लिखा है तो इसका मतलब एक एक के डिफरेंस में है ये सारे नंबर्स। उसके बाद फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है, इसका सबसे बड़ा नंबर निकालना है हमने, इफ इफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट बी इज 20 मोर देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, कि जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है वो सेट ए के लार्जेस्ट नंबर से 20 ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब 28 ये है और इसमें हम क्या करेंगे प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 48, तो यानी कि सेट बी का जो पहला नंबर है वो सेट ए के सबसे बड़े नंबर से 20 ज्यादा है, तो पहला नंबर क्या हो गया 48, तो फिर इसके आगे अब सीरीज में आप एक एक के डिफरेंस पे सारे नंबर लिख लीजिए। अगला नंबर क्या आ जाएगा 49, 50, 51, 52, 53, तो उसने आपसे क्या पूछा था लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट बी, तो सेट बी का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 53। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए आपके साथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बेसिस पे, कि कॉन्जिक्यूटिव पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। उसमें मेन चीज है कि आपने जो ये नंबर्स हैं, नंबर्स अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस अच्छे से सॉल्व होगा। इतना क्लियर है? तो कॉन्जिक्यूटिव में हमने ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जहां पे भी मेंशन है जिस भी क्वेश्चन में उसके एवरेज के साथ, तो एवरेज मींस मिडल टर्म, बस आप ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि मिडल टर्म इज योर एवरेज, या अगर आपको एवरेज दी हुई है इसका मतलब आपको मिडल टर्म पता है। अगर आपको मिडल टर्म पता है तो आपने सिर्फ ध्यान देना है कि इवन ऑड मेंशन है या मेंशन नहीं है। इवन ऑड मेंशन है तो दो दो के डिफरेंस पे आप नंबर्स लिख लीजिए, मिडल टर्म से आगे भी दो के डिफरेंस पे और मिडल टर्म से पीछे भी दो के डिफरेंस पे। लेकिन अगर इवन या ऑड मेंशन नहीं है, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा गया है, तो आपने मिडल टर्म, अगर आप एवरेज पता है आपको, मिडल टर्म पता है, तो आपने बाकी के नंबर्स एक एक के डिफरेंस पे लेने हैं। क्लियर है? तो फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर है द एवरेज ऑफ The average weight of 10 boys was 65. The average weight of 10 boys is 65 kg. Two of them with weight 40 kg and 50 kg left the group and were replaced by two new boys with weight 45 kg and 55 kg. Find the new average. अब इसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा, ये replacement का question है, यानी कि दो लोग बाहर जा रहे हैं, 10 का group है, ठीक है, उनकी कुछ average weight दी है आपको, ठीक है। अब ये जो पहली लाइन है द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज वाज 65, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे देखो अब 10 लोग हैं, अब 10 लोगों का सबका वेट तो 65 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो एवरेज वेट का मतलब होता है कि जो 10 लोग हैं और उनका टोटल वेट आपको पता है, क्योंकि हमने मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सम इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर, यानी कि एवरेज और नंबर ऑफ लोग अगर आपको पता है तो आप उनका सम निकाल सकते हैं कि टोटल वेट उनका कितना है, ये हम पता कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सम कितना है उनका टोटल, मतलब कि टोटल वेट, सॉरी, जो टोटल वेट है वो कितना है, 10 लड़कों का 10 × 65 यानी के 650। क्लियर है? अब इस 650 वेट में से दो लोग बाहर चले गए, यानी के दो लोगों का वेट बाहर निकालना है आपको। तो वेट कितना था, जो बाहर लोग गए हैं उनका वेट था 40 kg और 50 kg, ठीक है। तो 650 ये आ गया टोटल वेट, इसमें से आपने माइनस क्या करना है 40 + 50, ये आपने बाहर निकाल दिया वेट। अब जो इनकी जगह पे दो नए लोग आए उनका वेट कितना था, उनका वेट था, उस उनका जो वेट था वो आप ऐड कर देंगे 45 + 55, ठीक है। अब नया वेट क्या होगा, 650 नया टोटल वेट, 650 − 90 + 100। क्लियर है? अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि 10 केजीज जो वेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल वेट कितना आ गया नया 660। लोग कितने हैं, अभी भी 10 हैं, हमें निकालना क्या है एवरेज, तो आप क्या करेंगे 660 टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ पीपल, तो 660 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 66, जो नया एवरेज है वो आ गया आपका 66। ये तरीका है जो हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, कि आप टोटल निकालेंगे
नंबर ऑफ लोगों से आप उसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप उसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगी। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना है, आपने नई एवरेज, देखो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में एक बड़ी खास बात होती है कि जितने लोग बाहर जाएंगे उतने ही लोग अंदर आएंगे, क्लियर है, सिर्फ आपके डाटा में चेंज आता है। तो आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है, आपने इसमें निकालना क्या है, न्यू एवरेज आप निकालेंगे इसमें, न्यू एवरेज। अब जब आपने न्यू एवरेज निकालनी है तो आप सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड एवरेज, ठीक है, ओल्ड एवरेज को एज इट इज लिखिए, उसके बाद प्लस माइनस चेंज, चेंज जो डाटा में चेंज आया, और अपॉन में नंबर ऑफ लोग कितने हैं, नंबर ऑफ लोग कितने हैं, ठीक है ना। अब देखिए न्यू एवरेज निकालनी है, ओल्ड एवरेज हमारे पास कितनी थी, 65, ओल्ड एवरेज थी 65। अब आती है बात प्लस या माइनस की और चेंज की। अब चेंज मतलब अब आपने करना क्या है, ये जो टोटल वेट है हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ चेंज निकालना है। चेंज मतलब जो डाटा बाहर जा रहा है और कितना डाटा अंदर आ रहा है, ठीक है ना। आपका 40 प्लस 50 केजी ये बाहर चला गया, ये आप माइनस के साइन के साथ ले लो, और जो आप अंदर लेकर आ रहे हैं डाटा उसको आप प्लस के साइन के साथ लोगे, तो कितना आ गया ये माइनस 90 प्लस 100, तो आपका चेंज कितना आया, चेंज आया आपका प्लस 10, यानी कि यहां पे जो साइन आएगा, जो साइन आपके चेंज में आएगा वही साइन आप यहां यूज करेंगे। यहां पे प्लस या माइनस यूज किया है ना हमने, अगर वेट बढ़ रहा है तो आप यहां प्लस कर रहे हैं, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन घट रही है तो यहां पे ऑब्वियसली नेगेटिव का साइन आएगा, तो आप यहां पे भी नेगेटिव का साइन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमारा प्लस का साइन है, मतलब वेट बढ़ रहा है 10 kg, तो हम यहां पे क्या करेंगे, प्लस, और चेंज कितना आया 10 kg का, 10 kg का चेंज जो है वो कितने लोगों में आया, 10 लोगों में, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 10, क्योंकि 10 ही लोग हैं, अभी भी 10 ही लोग हैं ना रिप्लेसमेंट के बाद भी, क्योंकि दो लोग ही बाहर गए और दो लोग ही अंदर आए हैं, तो अभी टोटल अभी भी हमारे पास 10 ही है। तो 65 प्लस 10 अपॉन 10 ये कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66। आपने जो मेथड यूज करना है, आपने मेथड यूज करना है ये, न्यू एवरेज निकालनी है, ओल्ड एवरेज एज इट इज लिखिए, फिर चेंज निकालिए, चेंज अगर प्लस के साइन के साथ आ रहा है तो आप यहां प्लस का साइन, यानी कि बढ़ रहा है डाटा तो आप साइन प्लस का यूज करेंगे, अगर वो घटेगा, ठीक है, अगर बाहर ज्यादा जाएगा और अंदर कम आएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव का साइन आएगा चेंज में, तो वही साइन आप यहां यूज करेंगे, क्लियर। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। ये भी रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है इस वाले से। क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वॉज इंक्रीज बाय 3 व्हेन 3 ऑफ देम विद मार्क्स 70, 20 एंड 60 वर रिप्लेस्ड बाय एक्स वाई एंड जेड, फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब देखो इसमें भी तीन लोग बाहर जा रहे हैं और तीन लोग ही अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसमें और पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इनिशियली एक एवरेज दी हुई थी, जैसे 10 लोगों के लिए 65 एवरेज ऑलरेडी गिवन थी, इसमें 15 लोग तो दिए हैं लेकिन उनके लिए एवरेज नहीं दी है, यानी कि इनिशियल एवरेज आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है इंक्रीज इन एवरेज कि एवरेज में चेंज क्या आ रहा है, पुरानी वाली एवरेज में चेंज दिया है इन्होंने, ठीक है। और आपने यहाँ पे टोटल एवरेज, यानी कि टोटल एवरेज नहीं निकालनी है, यहाँ पे आपको नई एवरेज निकालनी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको नई एवरेज नहीं निकालनी है, इसमें आपको सिर्फ जो नए लोग आए हैं उनकी एवरेज निकालनी है, उनके एवरेज मार्क्स निकालने, ठीक है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो x प्लस वाई प्लस जेड, ऑब्वियसली इनके टोटल मार्क्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनका सम जब आपको मार्क्स का पता होगा, और ऑब्वियसली ये तीन लोग हैं तो आपने सम ऑफ नंबर्स अपॉन 3 निकालना है एवरेज, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या चीज मिसिंग है, इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल मिसिंग है, ठीक है। अब ये टोटल हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए जो पुराना डाटा है, ठीक है ना, या तो पुराने वाले लोगों से इनका डाटा ज्यादा है या पुराने वाले लोगों से इनका डाटा कम है। तो सबसे पहले तो जो ये पुराना वाला डाटा है, यानी कि जो बाहर जा रहा है डाटा 70, 20 और 60, ये मार्क्स जो उन पुराने तीन लोगों के थे, इनको आप क्या करेंगे, इनका आप टोटल निकालेंगे। तो इनका टोटल निकाल लेते हैं 70 प्लस 20 90 प्लस 60 150, ठीक है, ये है आपका पुराना वाला डाटा, तो ये आ जाएगा 150,
ठीक है, पुराना डाटे का डाटा का टोटल है आपका 150, ठीक है ना, ओल्ड डाटा, ओल्ड डाटा, ठीक है, अब 150, अब ये जो नए लोग हैं एक्स वाई और जेड, इनका टोटल जो है या तो इन लोगों से कम होगा या इन लोगों से ज्यादा। अब ये कहां से पता चलेगा, ये आपको पता चल रहा है पहली लाइन से। देखिए पहली लाइन और में इन्होंने क्या बोला, द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाज इंक्रीज्ड बाय 3। अब वर्ड क्या यूज किया है, इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड मतलब ऑब्वियसली 150 से जब ज्यादा डाटा होगा तभी आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर कम होता तो वो वर्ड यूज करेंगे डिक्रीज। अगर डिक्रीज लिखा होगा तो इसका मतलब टोटल कम है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है इसका मतलब 150 से टोटल ज्यादा है। हमें इंडिविजुअली इनके मार्क्स पता नहीं करने हैं, हमें सिर्फ इनके टोटल से मतलब है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। अब कितने ज्यादा हैं, ऑब्वियसली जितना चेंज इन एवरेज आ रहा है उतने ही ज्यादा है। जैसे कितना चेंज आ रहा है, आपने फिर जब इंक्रीज वर्ड यूज होगा तो आप यहाँ पे साइन यूज करेंगे प्लस, ठीक है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 मार्क्स, तो यहाँ पर आप लिख लिए 3 मार्क्स लिख लिया आपने। अब लेकिन 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोगों के, 15 लोगों के, 15 लोग हैं ना टोटल, तो इंटू 15, तो टोटल मार्क्स कितने बढ़ गए आपके, 150 प्लस 45, ये आ गया न्यू न्यू डाटा, यानी कि न्यू टोटल। तो टोटल कितना आ गया आपका, 150 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 190, आपके पास 195, और टोटल लोग कितने हैं, 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 65। ये आपका एवरेज है इन 3 नए लोगों का, क्लियर है आपको। ये रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, दोनों का कंसेप्ट अलग है, एक में टोटल एवरेज दिया होता है और एक में चेंज इन एवरेज दिया होता है, एक में नया एवरेज निकालना है और दूसरे में सिर्फ जो लोग रिप्लेस हुए हैं उनका एवरेज हमें निकालना है, क्लियर है। इसके बाद मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कई बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 884 नेचुरल नंबर्स, या फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स, या एंड सो ऑन, यानी कि ये जो n नंबर्स की सीरीज आती है इसके लिए कई बार हमसे एवरेज पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अब हम ऑब्वियसली बात है कि आप इतने सारे नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए उनका सम तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। तो वही फॉर्मूलाज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जैसे इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे सम और दूसरा होगा एवरेज, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। अब जैसे पहला फर्स्ट जो पार्ट होता है वो है जैसे फर्स्ट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इनके लिए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ पे 84 हो, 100 हो, 120 हो, 250 हो, 500 हो, क्लियर है। जितना भी आपको नंबर्स दिए हैं उसके लिए, मान ली फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए आपसे सम पूछा गया कि इनका सम निकालना है आपको, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये आ गया सम के लिए फॉर्मूला। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। एवरेज के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, सम अपॉन नंबर, यानी कि एक एन आप हटा देंगे क्योंकि एन से डिवाइड होगा तो एक एन हट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एन प्लस वन अपॉन टू। बात क्लियर हो गई आपको। अब सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एन इवन नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स के लिए सम, तो सम आ जाएगा आपका एन एन प्लस वन। अगर एवरेज पूछेंगे तो एक ऑब्वियसली आप अपॉन में भी एन लेंगे क्योंकि एन ही नंबर्स हैं, तो अपॉन में भी एन लेंगे तो ये वाला एक एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगी, एन प्लस वन। उसके बाद है फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है एन स्क्वेयर। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो वो डायरेक्टली एन, क्योंकि एक एन आप ऑन में एन लेंगे तो एक एन यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन सम के लिए, एन इंटू एन प्लस वन
इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो एवरेज के लिए नंबर, एवरेज के लिए ऑब्वियसली आप एक एन फिर हटा देंगे क्योंकि अपॉन में आपने एन लेना है, सम अपॉन नंबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये है स्क्वेयर्स। अगर जैसे कि वन, वन का स्क्वेयर वन, फिर आ जाएगा उसके बाद अगला नंबर फोर, देन नाइन, देन सिक्सटीन एंड सो ऑन। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सीरीज में हैं सारे के सारे, लेकिन उनके स्क्वेयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर n नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम या एवरेज आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और फिफ्थ जो लास्ट फॉर्मूला मैं आपसे आपको बताऊंगी वो है क्यूब्स ऑफ, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। इसके लिए सम के लिए फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वेयर n प्लस वन होल स्क्वेयर अपॉन फोर, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन मैं ये ऊपर वाला प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब एवरेज आपने लेना है तो एवरेज में आपको ऑब्वियसली आप n से डिवाइड करेंगे तो एक n यहाँ से हटेगा, तो इस वाले फॉर्मूला में वो लिखना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वेयर अपॉन फोर, ये एवरेज के लिए। लेकिन इनको लर्न करने का तरीका क्या है कि अगर आप सम के लिए लर्न कर रहे हैं तो आप सिर्फ सम के लिए ही लर्न करें। ठीक है, जब सम के लिए आपने फॉर्मूला एन की सीरीज के लिए लर्न कर लिया है और फिर एवरेज पूछेंगे तो आपको पता है कि सम को डिवाइडेड बाय एन करना है, यानी कि सम के फॉर्मूला में से एक एन हटाना है आपको, क्लियर है। लेकिन और अगर आप एवरेज के लिए लर्न कर रहे हैं तो सिर्फ एवरेज के ही फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, क्योंकि अगर सम के लिए पूछेंगे तो आपको पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो यानी कि एक एन आपने वापस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ले सकते हैं। थैंक यू।